मराठा सेवा संघ दिग्रस और स्वर्गीय भानुदास विठलराव शिंदे फाउंडेशन ने आगे आते हुए गुरुवार को शहर के कोरोना योद्धाओं का सत्कार कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। इसी दौरान संगठन की ओर से स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और पुष्पगुच्छ देकर कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया गया। इसी बीच दिग्रस कोविड में 8 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 3 लोग मानोरात तहसील के हैं, तो वही होम आइसोलेशन में रह रहे 13 लोगों के पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दील होने की खबर मिली है। इस तरह से तहसील में कोरोना के कुल 61 मरीज हो चुके हैं। बीते 6 माह से भी ज्यादा समय से जारी कोरोना संक्रमण के इस जानलेवा दौर में ड्यूटी पे तैनात कोरोना योद्धा अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना विषाणु से फैली इस महामारी को परास्त करने में जुटे सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा के पात्र है। इस बात के मद्देनजर सामाजिक जनजागृति सहित समाज कार्य में हमेशा अग्रसर रहने वाले मराठा सेवा संघ की दिग्रस शाखा और स्थानीय स्वर्गीय भानुदास विठलराव शिंदे फाउंडेशन के इकट्ठा आते हुए गुरुवार को शहर के कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया गया। इस मौके पर तहसीलदार राजेश वजीरे, दिग्रस पुलिस स्टेशन के थानेदार सोना जी आमले, नगर पालिका मुख्याधिकारी शेषराव टाले, कोविड केयर मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार, आरोग्य अधिकारी केसी बानोत, पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी रमेश खारोड़े आदि का सत्कार किया गया। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं का संगठन की ओर से स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस दौरान सुधीर देशमुख, इन्होंने इस पहल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह कोरोना सोबत जी का यंत्रणा लड़त है, त्यामध्ये आरोग्य खाते असेल, पोलीस डिपार्टमेंट असेल, महसूल खाते असेल किंवा इतर अधिकारी, सर्व पंचायत समितीचे अधिकारी असतील, ते सर्व अधिकारी गेल्या 6 महिन्यापासून आपल्या स्वतःच्या जीवाची किंवा आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता ते सर्वजण या कोरोना युद्धासोबत लढा देत आहेत। त्यांचा कुठेतरी सन्मान झाला पाहिजे, सत्कार झाला पाहिजे, या उद्देशानं आम्ही सन्माननीय तहसीलदार साहेब, सन्माननीय BDO साहेब, सन्माननीय ठाणेदार साहेब, सन्माननीय जे काही डॉक्टर्स वर्ग आहे आणि तिथला पूर्ण स्टाफ, आम्ही जी काही ॲम्ब्युलन्स चालवणारी मंडळी आहे, त्यानंतर आपली स्वच्छता करणारी मंडळी आहे, यांचा सुद्धा आम्ही सर्वांचा आम्ही सत्कार घ्यायचा ठरवलेला आहे। कारण आपल्या या घरादाराची काळजी न करता, आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता हे गेल्या सतत 6 ते 7 महिन्यापासून या कोरोना सोबत ते लढत आहे, म्हणून यांना कोरोना युद्ध। इस मौके पर भूषण शिंदे, तोमरेश ठाकरे, तहसील शिवसेना प्रमुख राजगुरु वानखडे, सदानंद देशमुख, दत्ता भाऊ ठाकरे, अशोक राव ताड़े, संजय कदम, दिलीप सप्रे, दुर्गादास गायकवाड़, संजय इंगोले और नगर सेवक रमाकांत काले आदि उपस्थित थे। बहरहाल अब जाते जाते बात करते हैं दिग्रस शहर के एक छोटे पर जिंदा दिल जुझारू छात्र अंशुल की, जो दिग्रस के सरकारी अस्पताल में रहने वाले शहर के विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला 3री कक्षा का छात्र है। मालूम हो कि 9 वर्षीय अंशुल और उसके पिता मनीष ठाकरे दोनों ही बीते माह में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में वे अपने मनोबल के बल पर पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दील हुए। अंशुल ने हाल ही में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके इस विषय पर अपने स्कूल के ऑनलाइन व्याख्यान में हिस्सा लेते हुए अपना यह दर्दनाक अनुभव इस वीडियो में साझा किया और जान है तो जहान है का संदेश देते हुए अंशुल इस वीडियो के जरिए लोगों से सुरक्षित रहकर अपने जिंदगी की कद्र करने की हिदायत भी देता नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं अंशुल क्या कहना चाह रहा है। मित्रांनो, मला एका कमी वयात आलेल्या एका मोठ्या अनुभवाबद्दल मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। 1 महिन्यापूर्वी माझे पप्पा सुद्धा कोरोना पॉझिटिव्ह होते। त्यांची अवस्था डॉक्टरने क्रिटिकल सांगितली होती। ते लगातार 6 दिवस ऑक्सिजनवर यवतमाळला ऍडमिट होते। ते लगातार 6 दिवस ऑक्सिजनवर होते। माझे वडील पॉझिटिव्ह आल्यामुळे माझी व माझ्या मम्मीची पण टेस्ट करण्यात आली, पण मित्रांनो माझी मम्मी तर निगेटिव्ह आली, पण मित्रांनो दुर्दैवाने मी सुद्धा पॉझिटिव्ह आलो। परमेश्वराच्या मला कोणतेही सिम्पटम्स नसून मी अनसिम्प्टोमॅटिक होतो। देवाचा आशीर्वाद व माझ्या वडिलांची पुण्याईमुळे माझे वडील आणि मी सुखरूप घरी परत आलो। तसेच आम्ही दोघं सुद्धा मेंटली बोर्ड व खंबीर असल्यामुळे घरी कोरोनाला हरवून वापस घरी परत आलो। हा अनुभव माझ्यासाठी
खूप त्रासदायक आणि अविस्मरणीय राहील. मित्रांनो, ज्याने तो जहाने हे लक्षात ठेवून सुखरूप आपलं जीवन जगा व कोरोनावर मात करा. कोरोना को हराना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है. मी इतेच माझे दोन शब्द संपवितो. जय हिंद, जय भारत. इस बीच गुरुवार शाम को कोविड केयर के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 3 मानोरा तहसील से, पालेश्वर मंदिर परिसर से 1, सैयद नगर देवनगर बुधवार को गुरुदेव नगर से प्राप्त रिपोर्ट सहित 2 रिपोर्ट्स रैपिड एंटीजन टेस्ट से चिचोली गांव से है. इस बीच गुरुवार को होम क्वारंटाइन 13 लोग पॉजिटिव से निगेटिव होने की जानकारी है. इस तरह दिग्रस कोविड केयर में फिलहाल 61 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स दर्ज हो चुकी है. NBCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट.